हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो है वाच्य परिवर्तन को लेकर। स्टूडेंट काफ़ी डिमांड कर रहे थे वाच्य परिवर्तन की वीडियो के लिए। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वाच्य परिवर्तन को लेकर आपके जो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसमें से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको अब तक नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वाच्य में तो एक भी मिस्टेक नहीं करने वाले और कम्प्लीटली आप अच्छी तरीके से इसको कर लोगे। तो 10th में आपके वाच्य में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो हम बात करते हैं कि वाच्य आपके कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है आपका एक तो कृतवाच्य, दूसरा होता है क्रमवाच्य और तीसरा होता है आपका भाववाच्य। तो आपको किसी भी तरीके से चेंजेस करवा सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक वाक्य दिया होता है और उसके ब्रैकेट में लिख देते हैं कि हाँ जी इसको आप कर्मवाच्य में चेंज कीजिए या फिर इसको भाववाच्य में चेंज कीजिए या फिर इसको कृतवाच्य में चेंज कीजिए। तो यही तीनों जो क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम में आते हैं और काफ़ी ईजी होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं होता कि आप ना कर सको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारा कृतवाच्य में दिया हुआ है और उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे फर्स्ट में ये है कि कृतवाच्य के जो कर्ता के साथ अगर कोई विभक्ति लगी हुई है जैसे, तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कर दिया जाता है। मान लो जैसे अभी आप एग्जांपल देखोगे तो वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा था कि जोया ने अच्छी कविता लिखी, तो ये जोया के बाद जो ने है ये ने आपका क्या है, ये एक विभक्ति है जिसको हटाकर हम वहाँ तो या तो के लगाएंगे या फिर के द्वारा परसर्ग का यूज़ किया जाएगा जब हम उसको कृतवाच्य से क्रमवाच्य में चेंज करेंगे। इसके अलावा अगर कर्म के साथ भी कोई परसर्ग हो तो उसे भी क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में ही परिवर्तित किया जाता है और परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार जो भी रूप हो, मीन्स वहाँ पर जाना जो वर्ड है उसका जाता मतलब गया, इस टाइप से जो चीज़ें हैं इसमें हम ऐड करते हैं जब हमें चेंज करना होता है इसे कर्मवाच्य में। तो इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस तरीके से हमें किया जाता है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि जोया ने अच्छी कविता लिखी है, तो ये तो कृतवाच्य है सेंटेंस नॉर्मली। जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये ने किसमें बदल जाएगा, द्वारा में, तो जोया द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है चित्रकार चित्र बनाता है, तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो चित्रकार के बाद क्या आएगा, द्वारा चित्र बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाता गया मतलब जाने वाली जो चीज़ें हैं ना, वो वर्ब जो वो क्रिया है वो इसमें ज़रूर इंट्रोड्यूस आप करोगे। ईश्वर हमारी सहायता करता है, तो इसको जो हम चेंज करेंगे तो ईश्वर द्वारा हमारी सहायता की जाती है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। नेक्स्ट, निशा ने नमकीन खाई, निशा द्वारा नमकीन खाई गई। तो आई होप कि आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में चेंज करना तो अब आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं कृतवाच्य से भाववाच्य में किस तरीके से वाच्य का परिवर्तन होगा। तो जब हम कृतवाच्य से भाववाच्य में वाच्य को परिवर्तन करेंगे तो हमें इन इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है, इसमें हम क्या करेंगे, से जो है जो भी सेंटेंस में आपका कर्ता होगा जैसे मैं हो सकता है, तुम हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, उसमें आप से लगा दोगे। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया वाला रूप जोड़ दिया जाता है, जैसा कि हमने अभी पहले किया था। तो मतलब कर्मवाच्य में भी जाना का क्रिया रूप जोड़ा जाता है और जब भाववाच्य में चेंज करते हो उस टाइम पर भी हमें इसे जोड़ना होता है। तो लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल से पहले कुछ और एक दो बातें हैं कि क्रिया को हम क्या करते हैं, एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में भी परिवर्तित किया जाता है आवश्यकता के अनुसार। अगर हमें नहीं का यूज़ करना होता है मतलब, तो हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कृतवाच्य हमारे पास है राधा नहीं हंसती, तो हमें जब भाववाच्य में करते हैं चेंज तो ये राधा के बाद क्या आएगा, से, राधा से हंसा नहीं जाता। मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं को आप चेंज करोगे मुझसे, पढ़ा नहीं जाता। चिड़िया नहीं चहचहाती, चिड़िया से चहचहाया नहीं जाता। उल्लू रात को जागते हैं तो उल्लू से रात को जागा जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कृतवाच्य से भाववाच्य जरूरी नहीं कि आपको नेगेटिव सेंटेंस ही देखने को मिले, कभी कभी आपको पॉजिटिव सेंटेंस ही मिल सकता है। जैसे उल्लू रात को जागते हैं तो उल्लू से रात को जागा जाता है, मतलब इसी तरीके जैसे हंसना को हंसा जाता है, पढ़ना को पढ़ा जाता है, चहचहाया जाता है, जागा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जाम्पल है अब घूमे, तो इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओ, इस वजह से मैंने इस एग्जाम्पल को इसमें ऐड कर दिया अब घूमे। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो क्या करेंगे, अब घूमा जाए। जो बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं ना, हम हिंदी में बहुत
तरीके से यूज़ करते हैं, बट आपको जब एग्ज़ाम में आता है तो हमें बात समझ में नहीं आती कि बेसिकली इसमें हमें करना क्या है। नेक्स्ट हम चलते हैं आपके, अगर कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य से कृतवाच्य में अगर वाच्य को परिवर्तन करना हो, सिंपल से आते हैं हम उल्टा करने वाले, हम कहाँ पे जाने वाले हैं कृतवाच्य में, तो कृतवाच्य में जो कर्ता को प्रधानता देनी होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता देती है, तो इसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास ये है कि उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि आपका किस में, कर्मवाच्य में, उसके द्वारा, पर अभी हम क्या करेंगे, हमारा ये लिखने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि कर्म पे यहाँ पे, अब कृतवाच्य करेंगे तो वह पत्र लिखेगा, बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए तो बच्चों ने चित्र बनाए, गधे द्वारा बोझा ढोया गया तो गधे ने बोझा ढोया, तो इस तरीके से ही आपको चेंज करना होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद अब वाच्य परिवर्तन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो वीडियो अच्छी ही लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी वेबसाइट अभी लॉन्च हुई है www.pragatyclassesonline.com, वहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल फिलहाल अभी हम SST को प्रोवाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उस वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट कीजिए।